डॉली। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो जो है ये है मेबलिन का एक कंसीलर है, उसके ऊपर मैं आज का रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों के सामने। ये कंसीलर काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज, बिफोर मूविंग इन ऑन टू द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे एक बेल आइकन का आइकॉन बना हुआ है, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से और अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ में शेयर कर सकें। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और थम्स अप तो बनता है ना, तो वो तो देना चाहिए। गाइज जल्दी से मूव ऑन करते हैं हमारी आज की वीडियो पर। सो गाइज, ये है मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर है, एंड इट इज़ मल्टी यूज कंसीलर है ये। एंड इसका जो मैंने शेड बुलाया है वो फेयर शेड बुलाया है, क्योंकि मैंने अपने स्किन टोन से एक शेड ज़्यादा बुलवाया है, इसलिए फेयर शेड बुलवाया है। एंड इस शेड का जो नंबर दिया हुआ है वो 110 दिया हुआ है। एंड ये जो आया हुआ है ये 6 ml की कैपेसिटी के अंदर आया हुआ है। एंड इसका जो एक्सपायर है वो भी 2 ईयर्स का एक्सपायर दिया हुआ है इसके अंदर। सो इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है, पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पसंद आई है। और इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। सो इसको अनबॉक्स करके देखेंगे तो इसके अंदर जो बॉटल आई है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें ये है ऊपर इसका एक कैप लगा हुआ है, ये कैप आप रिमूव करेंगे, और कैप रिमूव करने के बाद ना इसको ट्विस्ट करेंगे ये ऐसे, तो ये ओपन हो जाएगा, और ट्विस्ट करके फिर आप इसे अप्लाई करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा एक स्पंज दिया हुआ है, जिससे आपको इसे अप्लाई करना है। तो स्पंज भी इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और इजीली टू अप्लाई होता है, बहुत ही इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अभी आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी कि इसको कैसे आपको फेस पर अप्लाई करना है, और इसका कवरेज कितना आ रहा है, ये कवरेज भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका कवरेज कितना आएगा। सो गाइज जल्दी से देखते हैं इसका डेमो। कितने डार्क सर्कल्स ना भी मेरे फेस पे आप देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल गॉन हो चुके हैं। सो गाइस, ये जो कंसीलर है वो बिल्कुल ऑसम कंसीलर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी तरीके से ना ये सभी चीजों को बहुत हाइड करता है। इसे उसका व्यू आप देख सकते हैं अलग ही आ रहा है, और जो फेस पे जो क्रीम लेयर है ना बिल्कुल क्लीन फेस दिखेगा आपको, आप देख सकते हैं। तो जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन दिखेगा आपको, बिल्कुल कोई भी स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखेंगे, डार्क सर्कल्स बहुत नहीं दिखेंगे आपको। आपको अगर लेना है तो आप एक शेड ज्यादा ही लीजिएगा इसका, क्योंकि अगर आप एक शेड ज्यादा लेते हैं ना तो उससे ये रहता है कि जो कवरेज है ना वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको आपके ब्लैक स्पॉट्स वगैरह कवर करने हैं, और आपको अंडर आईज कवर करनी है, आपकी डार्क सर्कल्स कवर करने हैं, तो उसके लिए एक जो शेड है उससे एक ज्यादा ही शेड लीजिएगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया और रिव्यू से कोई हेल्प मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो गाइज, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी, बी हैप्पी, और देखने के लिए धन्यवाद।